अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सबको खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी, ये सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा क्लिप जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो आज नाश्ते में मैंने सोचा कि ये शाही पनीर रखा हुआ और एक रोटी रह गई थी ये नान, तो मैंने सोचा आज इसी का नाश्ता कर लेते हैं मैं और हस्बैंड। अभी फ़िलहाल हस्बैंड जो है बच्चों के स्कूल छोड़ने गए थे, तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं ये चाय अपनी रेडी चाय रेडी कर लूँगी और ये मैं अपना जो सालन जो है और ये रोटी जो है ये गर्म कर लूँगी। तो आज हम दोनों ने इसका ही नाश्ता करा था, बड़ा अच्छा लगा नाश्ता करके। अलग ही तरीके का नाश्ता हुआ हमारा, देखिए चाय कितनी मज़े की ऊपर को आ रही है। आज मैंने दूध और पानी साथ में मिलाकर एक सी बनाई थी चाय। और ये जी है दूसरे दिन का, ये उस दिन मैंने कोई कुछ उसके बाद कुछ और रिकॉर्ड नहीं करा, ये नेक्स्ट डे है। तो उस दिन मैं बनाने लगी थी भिंडी कीमा, बहुत से लोग इसको भिंडी कीमा भी कहते हैं, मैं तो ज़्यादातर इसको दर्रा ही कहती हूँ क्योंकि हमने बचपन से दर्रा ही सुना है। हमारे घर में दर्रा कहा जाता है लेकिन हमारी ससुराल में कीमा कहा जाता है। तो ये भिंडी कीमा बनाने लगी थी मैं, हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैंने भिंडियों को और हरी मिर्चों को थोड़े से ऑयल में अकोड़ लिया था, मतलब खूब ना, इससे ना वो पिचपिची सी नहीं होती हैं, जो एक चिपक चिपकी सी जो हो जाती हैं वो नहीं होता है इसमें। तो ये मैंने कर लिया, इनको अकोड़ लूँगी। और उधर मैंने जो है दर्रा वो धो के रख दिया था उसको, तो उसका पानी नहीं चढ़ जाए। तो ये मैंने मसाले निकाल लिए थे, इसमें लाल मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, नमक है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, और दो क्यूब्स मैंने टमाटर के ले लिए और इसमें सरसों का ऑयल जाएगा। तो ये मसाले जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग मतलब ले सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो आपको, जितनी आपकी भिंडियाँ हो या दर्रा हो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये मैंने ये सारे मसाले अब मैं सब कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि बीफ का कीमा है तो ज़रा देर से गलता है, तो इससे मतलब टाइम का बचत हो जाती है, जल्दी बन जाता है ऐसे। तो यहाँ मैंने अब ये सारी चीज़ें डालकर इसी में मैं अब ऑयल जितनी मुझे ज़रूरत होगी मतलब उसके मुताबिक मैं डाल दूँगी। तो मैंने ये ऑयल वगैरह डाल के चला कर अब मैं इसमें कीमा वगैरह डाल दूँगी और इसको डालकर खूब अच्छे से चलाकर और थोड़ा सा पानी जितना मैं समझूंगी कि हाँ इतना पानी सही रहेगा वो डालकर मैं इसको मतलब प्रेशर ले लूँगी, इसमें सीटियाँ ले लूँगी। इसके बाद ये देखिए मैंने इसको छलनी में छान लिया कि इसका जो भी मतलब एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब निचड़ जाएगा, ये साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये जी मैंने कर लिया, अब मैं इसको अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको मैं। और आप लोग बताना आप लोगों को मैं से किस किस को पसंद है ये भिंडी या कीमा। लेकिन हमारे जब हमारे मायके में कीमे में नहीं डलते थे, हमारे मायके में गोश्त में डला करती थी, लेकिन हमारे हस्बैंड को ऐसी पसंद है तो मैं ऐसी बना लेंगी क्योंकि बनाने का सेम यही तरीका है। तो यहाँ पर अब मेरा जो दर्रा था ये गल चुका था, अब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी रह गया इसको मैं भून लूँगी और भूनने के बाद फिर मैं जो इसमें भिंडियाँ हैं ना वो इसमें डालकर और जितनी भी मतलब सीटियों में आप गलाना चाहें सीटी में गला लें, वैसी गलाना चाहें वैसी गला लें। मैंने तो खैर इसमें लगभग 2-3 सीटियाँ ली थी फिर मैंने इसको निकाल लिया था। ये देखिए भुन गया कितने मज़े। अच्छा जब सालन भुनता है तो कितना अच्छा लगता है ना, मतलब सारी चिकनाई ऊपर आ जाती है और बिल्कुल भुना भुना सा होता है। और ये मैं अपने इसमें सारी मैंने भिंडियाँ डाल दी, खैर मज़े की भी बहुत हो गई, हमारे हस्बैंड को बहुत पसंद आई तो बड़े मज़े की हो गई थी खैर भिंडियों। और भिंडियों में हमारी अम्मी ने हमें शुरू से ही बताया था कि इसमें डबल मसाला जाता है, क्योंकि एक तो कीमा होता है फिर ऊपर से उसमें डलती हैं भिंडियाँ, तो डबल चीज़ वो है तो डबल ही मसाला डलेगा। और कश्मीरी लाल मिर्च में यूँ डालती हूँ, इससे ना कलर अच्छा आ जाता है ज़रा सालन का, तो ना अच्छी लगती है देखने में ज़रा सूरत उसकी। तो यहाँ मैंने अब भून ली थी भिंडियाँ डालकर, अब मैं इसमें पानी डाल के इसकी सीटियाँ ले लूँगी और सीटियाँ करने के बाद। और मैंने सालन में कुछ क्या बनाया था, हाँ सालन में और दूसरा मैंने ये था कि मेरे फ्रीज़र में कबाब रखे होते हैं तो वो मैंने निकाल के और उनको तल लिया था। बड़ी आसानी रहती है कि कोई अगर दूसरा सालन बनाने को दिल नहीं चाह रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी से कबाब निकालो और उनको तल लो। तो वो मैंने फाइनल बस यही कबाब रह गए थे, अब ख़त्म हो चुके हैं, फिर मंगा कर उनको पका कर और फ्रीज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने कबाब कर लिए, 4 कबाब रह गए थे और ये भिंडियाँ मैं निकालने लगी हूँ। अब हम लोग खाएंगे खाना, बच्चे स्कूल से आ चुके थे, अब हम करेंगे लंच। लंच करने के बाद फिर मैंने किचन को ऐसे ही समेट दिया, मतलब साफ़ सूफ करा था मैंने, मगर बर्तन जो है ना दोपहर के जो लंच के होते हैं वो नहीं धोती हूँ मैं, वो शाम में उठ कर ही धोती हूँ मैं, लगभग 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर नमाज से फारिग होने के बाद अब मैंने सारे बर्तन वगैरह जो भी थे मेरे मैंने सब वॉश करे, वॉश करने के बाद फिर मैंने अपने किचन को फिर एक बार क्लीन करा। मुझे किचन जो है ना गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। और फिर वही है कि ओपन किचन है, ओपन हो या बंद हो किचन तो गंदा अच्छा लगता ही नहीं है ना, घर अच्छा लगता है गंदा। और ये मैंने पपाया अपने लिए काट लिया था रात के लिए, पपाया खाती हूँ रात में जैसा बर्तन शाम के, तो
तो मैं आपसे कह रही थी कि किचन या घर गंदा अच्छा लगता ही नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे कहते भी हैं तुम बर्तन धोने के लिए किसी को रख लो, मगर मैं झाड़ू पोछा तो करा सकती हूँ एक दफ़े को, लेकिन मैं बर्तन नहीं धुलवा सकती। मुझे बर्तन किसी के हाथ के समझ में ही नहीं आते, तो मैं बर्तन धोने के लिए किसी को रख ही नहीं सकती। मैं मुझे बर्तन अपने ही हाथ के अच्छे लगते हैं कि भैया हम साफ़ सुथरा करके धो रहा। और यहाँ देखिए, मैंने अपना जो रात को मैं पपाया खाती हूँ, वो पपाया भी मैंने काट लिया था रात के लिए, तो क्योंकि अब मुझे किचन बिल्कुल साफ़ सुफ चाहिए, अब कुछ फैलावा नहीं चाहिए, तो उसके छिलके वगैरह थे तो वो भी मैंने फेंक दिए थे। यहाँ मैंने अपना किचन बिल्कुल चकाचक कर दिया है, बिल्कुल क्लीन। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।